कांग्रेस नेता अलका लांबा इस वक्त किसानों के समर्थन में नारे लगा रही हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल है और यहाँ पर तस्वीर अलका क्या मांग लेकर पहुंची हैं आप यहाँ पर? किसानों को श्रद्धांजलि देने, किसानों को श्रद्धांजलि देने, कोई दूसरा फैसला नहीं। 70 दिनों से 170 जवान हमारे किसान शहीद हो गए, केंद्र की सरकार सुनना नहीं चाहती है। शहीद है, आज भी एक किसान ने जहर खा लिया है। हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार की तानाशाहियों के खिलाफ है। उम्मीद करते हैं केंद्र की सरकार अपने काले कानूनों को वापस लेगी, इन तानाशाहियों से लोकतंत्र की आवाजों को। अच्छा, बातचीत आगे बढ़ रही है किसानों की? नहीं बढ़ रही है, तानाशाही हो रही है। के मुकदमे लगा के इस पुलिस की ताकत पर लोकतंत्र की आवाजों को दोबारा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारी पुलिस बल, यहाँ देखिए तस्वीरों में भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और यहाँ प्रदर्शन करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। नारे लगाते हुए यहाँ पर अलका लांबा पहुंची और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरी है, यहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात था पहले से ही और किस तरह से पुलिस उन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर जा रही है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी में लेकर यहाँ से पुलिस।